शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया, आखिरी सवाल 2014 जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करता। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? एक पुल का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के 5 महीने बाद उस उद्घाटन के आयोजन को करवाने का सरकारी टेंडर निकाला गया। मतलब कि आप समझ गए कि पहले उद्घाटन हुआ, उसका आयोजन भी हो गया और उस आयोजन पे जो खर्चे हुए उसका टेंडर 5 महीने बाद निकाला गया। इसका क्या मतलब? चट उद्घाटन और फट घोटाला। दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास वक्त नहीं है आजकल, इसीलिए आपको बहुत ही कम समय में ऐसे घोटाले का हम पर्दाफाश करेंगे और ऐसे मुख्यमंत्री को बेनकाब करेंगे जिसे आप भूत न भविष्य तो आपने ऐसा घोटाला सुना नहीं होगा। स्वागत है आप सभी का आईएनसी टीवी पर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है और उस यात्रा के दौरान हम असम के गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के बेहद करीबी आदमी से हम मिले। उन्होंने कहा कि जो श्री राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जाहिर है उनके दोस्त हैं तो बुरी बात तो सुनेंगे नहीं, तो हम भी चुप कर गए। लेकिन भाई, उन्होंने कहा कि हेमंतों के दो दोस्त हैं लेकिन हम सुनेंगे नहीं। पर आगे उन्होंने जो कहा कि श्री राहुल गांधी की बात जो कही उन्होंने कि उससे आगे कह दिया कि हेमंत तो देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, हम भी अचंभित रह गए। फिर कागज पेश किए गए, तो सुनिए दास्तान। नाम जहन में याद रखिएगा, भास्कर शर्मा, जो कि हेमंत बिश्व शर्मा के लाइफ पार्टनर यानी पत्नी रिंकी भुइया के बिजनेस पार्टनर है। भास्कर शर्मा हेमंतों की पत्नी के बिजनेस पार्टनर, दोनों मिलकर एक चाय बागान चलाते हैं और उस कंपनी का नाम है राधा कृष्ण टी स्टेट। ये दोनों उसमें डायरेक्टर हैं। इसके अलावा जो कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकी भुइया हैं, उनके बिजनेस पार्टनर भास्कर की एक और कंपनी है, एक फर्म है जिसका नाम है ड्रीम ए मजे। अब इसका अर्थ हुआ हिंदी में देखा जाए तो सपनों में मजे लेना, सपने लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्म से क्या लेना उसकी तहकीकात करते हैं। हेमंत तो 4 नवंबर 2021 को एक पुल का उद्घाटन करते हैं। वो पुल जो है वो सुपरमार्केट के पास का है और खूब वाहवाही भी लूटते हैं, ट्वीट भी करते हैं, अपनी फोटो भी खिंचाते हैं, भाषण भी देते हैं और न्यूज चैनलों पे वाहवाही भी लूटते हैं। याद रखिए कि पीडब्ल्यूडी का विभाग भी मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के पास है और खेल यहीं से शुरू होता है। बिजनेस पार्टनर यानी भास्कर शर्मा ने सोचा कि जिसके लाइफ पार्टनर यानी रिंकी भुइया के पति मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा है, उनका यानी भास्कर शर्मा का कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो दर्शकों, यह एक ऐसा घोटाला हुआ जो कि अब तक के इतिहास में नहीं हुआ होगा। पुल का उद्घाटन के लिए 45 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार को इसी कंपनी के साथ हुआ, ड्रीम ए मेज, जिसका सीधा संबंध हेमंत बिश्व शर्मा के परिवार से था। पुल चालू हो गया, आवागमन भी शुरू हो गया। उस पुल के समारोह यानी आयोजन का जो खर्चा बर्चा हुआ उसका टेंडर उद्घाटन के 5 महीने बाद, फिर से गौर कीजिएगा, उद्घाटन, आयोजन, आवागमन, पुल चालू, सब कुछ, लेकिन जो आयोजन पे खर्चा हुआ उसके 5 महीने बाद टेंडर निकाला गया 18 मार्च 2022 को। आप देख सकते हैं ये जो कागजात हमें मिले हैं। और जो टेंडर मिलता है वो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भैया के बिजनेस पार्टनर भास्कर शर्मा का है, जैसे हमने बताया। ये वही कंपनी है जिसका नाम ड्रीम ए मेज, और अपनी स्क्रीन पर देखिए उसका मालिक कौन, भास्कर शर्मा। ये फॉर्म है, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। और ये खुलासा जो इन कागजों का किया, इससे पहले द क्रॉस करंट जो कि गुवाहाटी का माना जाना अखबार है, उसने आरटीआई प्राप्त करके किया। खुलासे में एक और दिलचस्प बात निकली, वो ये कि इस काम का टेंडर डालने वाली 3 कंपनियां ही आईं। पहली ड्रीम इमेज, दूसरी जेएमके जिसके मालिक जुगानंदा शर्मा, ड्रीम इमेज का भास्कर शर्मा, और तीसरा अंजन शर्मा। ये तीनों सरकार के, जो हमारे पास कागज मिले हैं, जो हमने कागज निकाले, ये तीनों सरकार के पीडब्ल्यूडी में मान्यता प्राप्त कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये पार्टनरशिप और कंपनियां हैं और कुछ प्राइवेट कंपनियां भी। हेमंत बिश्व शर्मा के पीडब्ल्यूडी विभाग से जो हमें ये कागज मिले उसमें भास्कर शर्मा की क्लास 1A रजिस्ट्रेशन 3361 है और ये फर्म गुवाहाटी में है। 2017-18 में इसे पीडब्ल्यूडी विभाग ने
मान्यता दी, काम करने की मान्यता दी। प्रोप्राइटरशिप कंपनियां हैं और कुछ पार्टनरशिप कंपनियां। उसी तरह जेएमके फर्म के मालिक जुगानंदा शर्मा की कंपनी भी गुवाहाटी की है, इसका क्लास लेकिन 1C है और इसका रजिस्ट्रेशन 6021 है और साल 2017-18 में ये फर्म मान्यता प्राप्त हुई। उसी तरह तीसरी फर्म अंजन शर्मा के खुद के नाम पर है प्रोप्राइटरशिप का, जिसका रजिस्ट्रेशन भी 2017-18 में 6019 है और गुवाहाटी में फर्म का ऑफिस है। इन तीनों के जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, वही की पते हैं। और अभी को इससे बड़ा खुलासा जो हमने निकाला कि देखिए, एक टेंडर जिसका काम हो चुका उसको लेने के लिए जो तीन फर्म आती हैं, उनका उद्घाटन हुआ, आयोजन हुआ, खर्चा हुआ, उसका टेंडर 5 महीने बाद निकलता है और उसमें तीन फर्म आती हैं, उनके मालिक जो हैं वो एक ही कंपनी में डायरेक्टर पाए जाते हैं और इस कंपनी का नाम है असम केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। फिर से गौर कीजिएगा, असम केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। इन तीनों ने अलग अलग फॉर्म भरे थे लेकिन ये कंपनी में डायरेक्टर भी थे। इस कंपनी का ROC मेघालय की राजधानी शिलोंग की है और पता असम के गुवाहाटी का है। और खुलासा देखिए, हिमंतों की पत्नी श्रीमती रिंकी भुइया शर्मा एक एंटरटेनमेंट कंपनी चलाती हैं और उस कंपनी का नाम है प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसके घोटाले भी आपने सुने होंगे, बड़े आरोप लगे और आपको हैरानी होगी कि उस कंपनी में भी जो डायरेक्टर है वो भास्कर शर्मा है, यानी पूरे खेल का जो मास्टरमाइंड है वो भास्कर शर्मा है। इससे साफ पता लगता है कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा अपने परिवार को टेंडर चुपचाप दिलाते हैं पर सबूत हम निकाल ही लेते हैं। सुना है इन सबूतों को मिटाने का काम भी शुरू हो गया लेकिन कागज कभी मरते नहीं है और कागज बोल रहे हैं कि जिन तीन फर्मों को उद्घाटन और आयोजन के पास टेंडर दिया गया उसमें से जो ड्रीम इमेज है जिसको 45 लाख इन कंपनी को दिया गया वो हिमंत बिश्व शर्मा के परिवार से जुड़ी हुई कंपनी है और एक कागज INCTV के पास है और INCTV इस इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के लिए गुवाहाटी के उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने हमें हिमंतों के PW डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री हाउस के इर्द गिर्द पहुंचाकर ये खुलासा करवाया। उन लोगों का नाम लेना उचित नहीं है पर उन्हें हम धन्यवाद जरूर देते हैं क्योंकि और भी खुलासे होने बाकी हैं। तो दोस्तों, असम में अब सिर्फ दो ही नारे मशहूर हो गए हैं। एक नारा यह है जो कि लोगों के बीच में है, असम ट्रस्ट HBS ब्रेस्ट। ये जब आप गली कूचे शहर मोहल्ले में जाएंगे असम के किसी कोने में तो यह नारा मशहूर है। और दूसरा उससे बड़ा नारा जो मशहूर हुआ है वो श्री राहुल गांधी ने जो दिया है, देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन। जवाब आप जानते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। फिर मिलते हैं आसाम के कुछ नए खुलासे को लेकर। नमस्कार।